प्रदेश के उन्नाव जनपद में लोक जागरण मंच के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज उन्नाव के बांगरमऊ में आरडीएस पब्लिक स्कूल तक पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग भी लिया। भाजपा नेता ने कहा कि भाजपा सरकार ने नागरिकता लेने नहीं बल्कि देने का कानून बनाया है, जिसका अन्य दल और पार्टियां वोट बैंक की लालच में भ्रम की स्थिति पैदा कर विरोध कर रही है। उन्होंने आम जन मानस से अपील करते हुए कहा कि किसी के बहकावे में ना आए, मोदी पर यकीन रखे, किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यक गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, जो विरोध का नहीं स्वागत का योग्य निर्णय है। आपको बता दें कि आज उन्नाव जनपद की विधानसभा बांगरमऊ में लोक जागरण मंच के नेतृत्व में संघ कार्यालय से नागरिकता कानून के समर्थन में विशाल समर्थन रैली निकाली गई, जिसमें सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों ने प्रतिभाग किया और नागरिकता कानून का पुरजोर समर्थन किया। पेश है उन्नाव के संवाददाता सहबान मलिक की खास रिपोर्ट। किया जा रहा है, विपक्षी पार्टियां उन्हें भ्रमित कर रही हैं और दंगे भी करा रही हैं, पैसे देके भी दंगे करा रही हैं। कई जगह से खबरें आई हैं कि उन्हें 500,000 रुपये देकर दंगे कराने और उन्हें भेजा जा रहा है, ये सब गलत है। हम इसके समर्थन में हैं, किसी नागरिकता छीनी नहीं जा रही है, नागरिकता देने का काम कर रहा है। हमारे केंद्र सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक्ट बना हुआ है, इसके तहत हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनने का कोई काम नहीं है, जैसा अन्य विपक्षी पार्टियां गुमराह कर रही हैं, लेकिन पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। आज हम इसी क्रम में बांगरमऊ विधानसभा के विभिन्न संगठनों के व्यक्ति यहां सीए के समर्थन में आम जनमानस के साथ में यहां उपस्थित।